हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैथमेटिक क्लास 8 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, जिसमें का हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट 3.3 देख रहे हो। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग पहले क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करते हो देख लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया वो लिख लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा, क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8000 का हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट को न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका और यहाँ पे आ जाएगा 8000। यहाँ पे इसका हम लोग ना फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे 3 रहेगा और इसका यहाँ पे 8000 का पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8000 का फैक्टर, अब देखो 8000 है, ये 2 से जाएगा तो 4000 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो ये 2000 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो ये 1000 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 500 आएगा, फिर से 2 से जाएगा तो 250 आएगा। इसी तरीके से उनको फैक्टर निकालना रहेगा। 2 से जाएगा 125 आएगा, फिर से 5 से जाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल 2 से जा नहीं सकता, 5 से जाएगा तो 25 आ जाएगा, फिर से 5 से जाएगा तो यहाँ पे 5 5 25, उसके बाद ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग पहले फैक्टर निकाल देते हैं, वैसे हम लोग को इसका फैक्टर निकाल लेना है। अब 2 कितने टाइम में आया है, 2 6 टाइम आया, इसको हम लोग लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। उसके बाद में 5 कितने टाइम में आया, 3 टाइम में आया, 5 into 5। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मालूम है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना, दो पेयर बना, 3 पेयर बना। तो इसका जो पेयर बनेगा तो 2 into 2 into 5, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 5 20। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 8000। यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग सेकेंड कर लेते हैं, इसको भी वैसे लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 729। तो इसको अब हम लोग क्यूब रूट में लिखेंगे 729। अब यहाँ पे हमको इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो 729। अब यहाँ पे देखो ये कौन से टेबल से जाएगा, यहाँ पे देखो लास्ट में 9 है तो ये 3 के टेबल से जा सकता है, हाँ 3 2 6, यहाँ पे 1 आया, 3 2 6 यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 12, बचा 12 तो 3 4 12, 3 3 9, उसके बाद ये भी 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से जाएगा 27, फिर से 3 से जाएगा 9, फिर से 3 से जाएगा 3, फिर से 3 से जाएगा 1।
तो ये कितने टाइम आया है, 6 टाइम आया है, तो यहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम आ गया। अब ये अब क्या है, पेयर कितने का बनेगा, 3-3 का पेयर बनेगा, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 = 9। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। 729 का क्यूब रूट होता है 9। अब 343 का ही वैसे निकालना है, अब तो समझ में आ गया होगा। इसको लिख लो, पहले क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 343, तो 343 का क्यूब रूट 343 का अब हमको क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे फिर से उसका फैक्टर निकालो, किसके निकालोगे, 343 का, 343 ये देखो, ये 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से चेक करो, 5 से भी नहीं जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, 7 × 4 = 28, यहाँ पे बचा 6, 63, 7 × 9 = 63, यहाँ पे आया 7 के टेबल में 7, 7 = 49, फिर से ये 7 के टेबल में गया 1 टाइम में, मतलब ये कितने टाइम में कट किया, 7 आया है 3 टाइम में, 7 × 7 × 7, पेयर कितने का करना है हमको, 3 का पेयर करना है, तो ये 3 का पेयर कर दिया, तो यहाँ पे पेयर पे सिर्फ आएगा 7। इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं 512 का। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ -512। अब यहाँ पे देखो, ये जो माइनस में दिया गया, कभी भी किसी भी चीज़ अगर माइनस में दिया गया है, अगर उसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, तो वो हरदम माइनस में ही आएगा। माइनस 512 का दिया है ना, तो उसमें माइनस लगना ही लगना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पहले 512 का निकाल लेते हैं क्यों फैक्टर। तो यहाँ पे 512 का निकालो, 512 का निकालोगे तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 आया, 2 × 5 = 10, उसके बाद बचा कितना 12, तो 2 × 6 = 12, फिर से 2 के टेबल में 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर से 2 के टेबल में 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर से 2 के टेबल में 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर से 2 के टेबल में 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर से 2 के टेबल में 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 आ गया। अब कितने टाइम में आया, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम में आया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे पेयर कितने का बनाना रहता है हमको, पेयर बनता है 3 का, 1, 2, 3, 3 का पेयर बन गया, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ -512 का, देखो 512 का 8 आया, तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो, तो ये -8 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला कर लेते हैं, फिफ्थ वाले में देखो, इसको भी वैसे ही करो, इसको पहले लिखो क्यूब रूट ऑफ
माइनस 2744। तो यहाँ पे क्यूब रूट में माइनस 2744। अब 2744 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालो यहाँ पे 2744, यहाँ पे 4 है तो 2 के डबल में जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 यहाँ पे आया, 1 4 2 7 14, 2 2 4, फिर से 2 के डबल में, 2 6 12, यहाँ पे आया 17, 2 8 16, यहाँ पे बचा 12, तो 2 6 12, फिर ये 2 के टेबल में, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, फिर अब ये 3 आया है, ये किसके टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 7 4 28, 7 9 63, फिर से 7 के टेबल में जाएगा, तो 7 7 20 सॉरी 49, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा 1। तो क्या आया, 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7, इसको इस तरह से। अब यहाँ पे इसको 3-3 का पेयर बना लो, 3-3 का पेयर बनेगा, ये 1 पेयर और ये सेकेंड पेयर, ये जाएगा 3 नहीं आएगी। तो पेयर बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 into 7, अब 2 into 7 कितना होता है, 14 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट में माइनस 2744 का क्यूब रूट कितना होगा, 14 है, बट हमको आगे क्या दिया गया, माइनस दिया, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, माइनस 14 होगा। समझ में आया, अब हम लोग आगे का देखते हैं। सेम ये भी वही है, यहाँ पे क्या लिखो, क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 32768। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, 32768। अब यहाँ पे इसका अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, 32768 है, 8 है तो ये किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 यहाँ पे कितना आया, 18 आया, तो 2 9 18, 2 2 4, फिर से 2 के टेबल में, 2 4 8, यहाँ पे 1 है तो 2 0 0, 2 9 18, 2 6 12, उसके बाद में 2 2 4 0, 2 4 8, 2 8 16, फिर से 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 के टेबल में, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 के, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 16 आया, 2 8 16, फिर से 2 के टेबल में, 64, फिर से 2 के टेबल में, 32, फिर से 2 के टेबल में, 16। अब हम लोग इसके आगे का यहाँ पे निकाल लेते हैं, नीचे जगह ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का 2 से किया तो 8, फिर से 2 से किया तो 4,
फिर से टू से किया तो टू, फिर से टू से किया तो वन। अब यहाँ पे देखो फोर टाइम तो इधर हो गया है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन मतलब फिफ्टीन टाइम टू है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्री थ्री का पेयर बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री थ्री का पेयर बन गया तो क्या बनेगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू। इसका मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। समझे इतना, अब ये तो सिंप्लीफाई करना है, ये और इजी है करना, वैसे ही है बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मीन्स थोड़ा सा कट करना रहेगा। तो जैसे भी यहाँ पे देख लेते हैं अभी 27 का फैक्टर कितना होता है, 3 × 3 × 3 होता है, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 125 का फैक्टर कितना होता है, 5 × 5 × 5 ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 × 3 का पेयर बना लेते हैं तो पेयर बाहर आ जाएगा, तो पेयर बाहर आने के बाद कितना होगा, 3/5, इसका आंसर ही है इतना ही। तो क्यूब रूट में 27/125 को सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 3/5। अब सेकंड वाला कर लेते हैं, सेकंड वाले में देखो 3 16/54 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब रूट में हम लोग 16 का पहले निकाल लेते हैं, 16 का क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 25 का क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 27 × 2। तो ये देखो इसमें 3 3 का ही पेयर फिर से बना, ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, तो पेयर बन गया और ये क्या हो गया, दोनों में सेम बचा हुआ, तो सेम को हम लोग कट कर सकते हैं और जो पेयर बचा है उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 2/3। इसका मतलब अंडर रूट 3 में क्यूब रूट 16/54 को सिंप्लीफाई करने पे 2/3 आएगा। अब इसके बाद इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ क्यूब रूट 729 = 9 देन क्यूब रूट 0.000729 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 729 की वैल्यू क्या है, 9 है और ये जो 0 है तो 0 तो रहेगा ही, अब ये हो गया 30 है तो 30 का यहाँ पे 10 लिख दिए, हो गया।